अंदर ये उत्साह बना हुआ है। इस प्रकार देंगे ये कुछ ना कुछ श्रीराम जब अयोध्या में आ रहे थे 14 वर्ष वन के आगमन जब हो रहा था सभी अयोध्यावासी उत्साहित थे। जैसे कि भरत जी कहते हैं कि अगर 14 वर्ष के बाद एक भी क्षण एक ही दिन अगर लेट होगा तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। आज वही उत्साह वही पूरे अयोध्या के अंदर हमें नजर आ रही है। और जब श्री राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे थे तो वहां पर दीपावली मनाई गई थी और ऐसी ही भव्य तैयारी अयोध्या में चल रही है। राम मंदिर की जलाई जाएगी आज शाम को, हर जगह चल रही है। तैयारी अयोध्या में की गई है, घर घर लोग दीप जलाएंगे, व्यापारी दीप जलाएंगे और इतना ही नहीं राम की पैड़ी और सरयू घाट पर भी लाखों दीपक आज जगमगोगे। एक दिवाली है 22 जनवरी से लेकर संत समाज से लेकर कानून बिलों से लेकर बहुतों ने इसमें अपनी भागीदारी निभाई और ये दो तस्वीरें आपके सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के सामने इस वक्त दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही दंडवत प्रणाम उन्होंने शिलान्यास के वक्त भी किया था जब अस्थायी मंदिर में टेंट से अपने हाथों में उठाकर लेकर आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां उन्हें स्थापित किया। प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे शिलान्यास के लिए वो रामलला के सामने आए एक बार फिर उसी संकल्प को लगता है भगवान के सामने दोहराने आए थे कि जब देखा था आपको टेंट में तो उसी दिन सोचा था उनका तब जब राम मंदिर बनेगा और अस्थायी मंदिर में ले आया हूँ अस्थायी मंदिर में भी लेकर जाऊंगा। और आज बुखड़िया पहुंची है प्रधानमंत्री मोदी जो इस प्राण प्रतिष्ठा से पूरी तरह भावनात्मक ढंग से जुड़े हुए थे एक उपयुक्त यजमान के तौर पर उन्होंने खुद को तैयार किया। केकरा बोल रहा हूँ अभी जा रहे हैं यार केकरा बोल रहा हूँ जा रहे कर लो जा बैठा बड़ा है जी उतना देर से आओ जा श्री राम ने खुद रामेश्वरम की शिवलिंग को स्थापित किया था जब वो लंका युद्ध के लिए जा रहे थे और उससे पहले उन्होंने वहाँ पर शिव जी की पूजा की थी और श्री राम के आराध्य भी है भगवान शिव पूरे वंश के आराध्य हैं शंकर भगवान और श्री राम उन्हीं की पूजा किया करते थे। तो जहाँ जहाँ पड़े श्री राम के चरण वहाँ वहाँ जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने दर्शन पूजन किया कठिन व्रत किया दिन में 2 बार नारियल पानी और अन्य सख्त बिस्तर का इस्तेमाल करना पड़ता है और भी बहुत से यम नियम होते हैं जिसको अपने जीवन में उतारना पड़ता है तभी कोई उपयुक्त यजमान बनता है। और प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो इस तरह गर्भगृह में एक बड़े आयोजन में यजमान के तौर पर बैठ सकता है। उस सब का पालन प्रधानमंत्री मोदी ने किया सिर्फ इस घड़ी के लिए जिसके लिए वो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए रहे जीवन पर्यंत। और आज वो समय जब राम लला प्रतिष्ठित हो चुके हैं विराट बांध हो चुके हैं उन्हें झुककर एक बार फिर से दंडवत प्रणाम किया और जरूर प्रभु को प्रणाम करते वक्त मन में दोहराया हर खाकर और इस दौरान रामायण से जुड़े 4 राज्यों के विभिन्न मंदिरों में भी उन्होंने दर्शन पूजन की और आज वो घड़ी आ गई है वर्षों की अभिलाषा तपस्या पूर्ण हो रही है जब श्री राम का नारा सिर्फ अयोध्या धाम में नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंज रहा है। और अयोध्या के इस प्रभाव को जैसा कि हम लगातार आपको कह रहे हैं अयोध्या के इस प्रभाव को वही जानता है वही समझता है जिनके हृदय भगवान श्री राम विराजते हैं। आज इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए आज अयोध्या कई सदियों और कई युगों और समय की परिधि से भी परे समय की तमाम अनियमितताओं को पार करते हुए प्राचीन से आधुनिक युग तक पहुंची अयोध्या और समय की इसी परिधि में जो आज भी शाश्वत स्थिर है वो है भगवान राम के लिए उनके भक्तों भरी हुई भाव और उन्हीं भावनाओं से क्रोध पूरे भारतवर्ष के लोग आज हर किसी के हृदय में भगवान राम का नाम सहज ही निकल रहा है और न सिर्फ आज बल्कि बीते कई दिनों से कई महीनों से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि न सिर्फ अयोध्या न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के अलग अलग जगहों से ही भगवान राम और उनके नाम के सारथी निकल पड़े चल पड़े हैं। उनके मन में एक ही नाम उनके मन में एक ही भावना है उनकी जुबान पर एक ही नाम है
भगवान श्री राम का। वो इस क्षण को अपनी निश्चल आंखों मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े सभी अनुष्ठान यहाँ पर प्रारंभ हो गए थे 16 जनवरी से, और जिस तरह से शास्त्रीय परंपराओं का पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में किया जाएगा उसमें भी बस थोड़ा ही समय बाकी। आज हम बात करते हैं ज्ञान की, नवाचार की, लेकिन आज एक आध्यात्म गुरु के रूप में भारत ने जो अपनी पहचान बनाई शांति का संदेश लेकर शांति के तलाश में आज दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं भारत। आज रामलला की शरण में एक बार फिर आ जुटे हैं ये तमाम लोग जो बस इंतजार कर रहे हैं उनकी एक झलक पाने का। कंचन कलश विचित्र सवारे